नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा SBI एसेट बैक्ड लोन के बारे में, यानी कि ये लोन किस तरह एक बिजनेसमैन की हेल्प कर सकता है और ये लोन स्पेशली SME कस्टमर्स के लिए बनाया गया है। मतलब जैसे कई बार कई बिजनेसमैन को दिक्कत आती है कि साहब हमें बैंक लोन नहीं दे रहा, क्या करें, या फिर बैंक बैंक से लोन लेने में दिक्कत हो रही है। तो SBI का ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मॉर्गेज लोन है, यानी कि इसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी बोला जाता है, यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रख के लोन लेते हैं। अब मैं इसके की फीचर्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले पर्पस, आखिर ये लोन्स दिया क्यों जाता है। आप ये बात समझिए कि ये लोन सिर्फ बिजनेसमैन को ही दिया जाता है, एक नॉर्मल सैलरीड क्लास के लिए ये लोन नहीं है। सबसे पहले अगर उसको करेंट एसेट्स बनाने हैं, मतलब यानी कि उसकी जो वर्किंग कैपिटल है चाहिए, अगर उसके लिए बिल्टअप ऑफ फिक्स एसेट्स, मतलब अगर कोई उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, कुछ उन्होंने मशीन वगैरह इंस्टॉल करनी है, उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हो। कैपेसिटी एक्सपांशन, ऑलरेडी प्लांट चल रहा है उसकी कैपेसिटी एक्सपांड करनी है, उसके लिए भी आप ये लोन ले सकते हो। मॉडर्नाइजेशन, मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी आपको लेकर आनी है अपनी फैक्ट्री में, आप उसके लिए ये लोन ले सकते हो। और इसके अलावा किसी भी बिजनेस पर्पस के लिए आप ये लोन ले सकते हो, चाहे आप ट्रेडिंग करते हो, रिटेलर्स हो, या आपका किसी होलसेल का काम हो, किसी भी पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए। मैन्युफैक्चरर ले सकते हैं कि नया नया प्लांट डालना है, या प्लांट का एक्सपांशन करना है, या कोई नई मशीनरी लगानी है। होलसेलर ले सकते हैं ताकि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर चैनल को बढ़ा पाए। डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हैं ताकि उनके पास ज़्यादा वर्किंग कैपिटल हो तो वो ज़्यादा काम कर पाएँ। रिटेलर्स ले सकते हैं ताकि वो दुकान, जैसे कोई यदि शॉप मॉट चलाता है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल ले सकते हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर भी ले सकते हैं कि वो अपने लिए एक्सरे की मशीन या कोई दूसरे इक्विपमेंट ला के अपना खुद का छोटा सा क्लिनिक खोलना हो, उसके लिए आप ये लोन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी, एग्जिस्टिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर भी हैं, कोई नया कस्टमर है तो उसके लिए भी ये लोन है, और अगर किसी व्यक्ति का कोई बिजनेस लोन चल रहा है तो उसको टेक ओवर भी किया जा सकता है SBI एसेट बैक्ड लोन में, यानी कि हर तरह का कस्टमर एलिजिबल है, किसी तरह का कोई बोल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लोन अमाउंट कम से कम 10 लाख और मैक्सिमम 20 करोड़, लेकिन अगर आप दिल्ली या मुंबई में रह रहे हैं तो बैंक आपको 30 करोड़ तक का लोन दे सकता है एसेट बैक्ड लोन पर। याद रखिए, ये जो लोन का अमाउंट है ये आपकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, वो मैं अब आपको आगे बताऊंगा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू आखिर कितनी होनी चाहिए ताकि आपको लोन मिले। आप जो भी प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखेंगे वो सरफेसी कंप्लाइंट होनी चाहिए। सरफेसी कंप्लाइंट का मतलब ये हो गया है कि उसके टाइटल क्लियर होने चाहिए, किसी तरह का कोई वो नहीं होना चाहिए, पावर ऑफ अटॉर्नी भी पिछले 30 साल में कहीं पर भी नहीं आनी चाहिए। ओवरऑल आपकी प्रॉपर्टी किसी भी विवाद से फ्री होनी चाहिए ताकि बैंक उसको EM क्रिएट कर, इक्विटेबल मॉर्गेज अपने पास क्रिएट करके और आपको लोन दे पाए। जो इंटरेस्ट रेट है, इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो EBLR से लिंक होती है। अगर आज की डेट में अगर आप देखा जाएगा तो आपको 12 से 14% के बीच में ये रेट इंटरेस्ट रेट पड़ती है। 12 से 14% के बीच में आपको जो एसेट बैक लोन की इंटरेस्ट रेट है वो पड़ेगी, और जैसे जैसे इसका स्प्रेड चेंज होता रहता है, जैसे EBLR अगर कम हो गई तो आपका कम पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, किसी तरह का कोई डिफॉल्ट, रिटर्न ऑफ, सूट फाइल आपके सिविल में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। सिविल स्कोर में कोई ड्यू भी नहीं होना चाहिए, अगर कोई ड्यू है तो उसको तुरंत क्लियर कराएं, या किसी तरह का कोई वाद विवाद है तो उसके लिए बैंक को NOC दें। अब बात करते हैं लोन रीपेमेंट की। जो एसेट बैक लोन है वो आपको दो फॉर्म में दिया जा सकता है, एक है ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट और दूसरा है कैश क्रेडिट लिमिट। जो ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट है उसको आप ऐसे समझिए कि आप बैंक के पास गए, 1 करोड़ की आपने प्रॉपर्टी रखी, 60 लाख का आपको लोन मिला ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट, तो बैंक क्या करेगा कि आपको जो पैसा दिया है वो हर महीने कुछ ना कुछ उसकी DP ड्रॉइंग पावर कम करता जाएगा, उसको बोलते हैं ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट। और आपने जैसे आपने 12 महीने के लिए लिए लिया या 240 मंथ के लिए लिया तो उसके अकॉर्डिंगली वो कम होता रहेगा।
कैश क्रेडिट लिमिट में आपने जितनी लिमिट ली है उतनी लिमिट ही रहेगी, लेकिन हर साल उसका रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अगर आपने 60 लाख की लिमिट ली है तो वो 60 लाख ही रहेगी, लेकिन हर साल आपको बैंक में जाके अपने डॉक्यूमेंट देने होंगे ताकि आपकी लिमिट रिन्यू हो पाए। अब बात करते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो की, आपकी प्रॉपर्टी पे आपको लोन कितना मिलेगा। देखिए, लोन टू वैल्यू रेशियो 60% कैलकुलेट करके चलते हैं एजम्पशन पे कि जो लोन की वैल्यू है और जो टोटल आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 60% से ज़्यादा नहीं देगा बैंक आपको। वो मैं आपको और एग्जांपल में बताऊंगा। अब जो लोन टू वैल्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेगा बैंक, देखिए बैंक सबसे पहले तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट करेगा। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बैंक का मैनेजर तो जाएगा नहीं, बैंक ने अपने इम्पैनल में वैल्यूअर्स रखे हुए हैं हर सिटी में हर डिस्ट्रिक्ट में। तो आपके डिस्ट्रिक्ट या शहर में जो भी इम्पैनल वैल्यूअर होगा बैंक उसको हायर करेगा कि वो जाकर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करे। जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होगी, लोकेशन, मार्केट कंडीशन, रिसेंटली कितने का ट्रेड हुआ है। तो वैल्यूअर अपनी रिपोर्ट बना के देता है, उसके अंदर वो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स लिखता है कि मार्केट वैल्यू आज की डेट में इतनी है, रिलाइजेबल वैल्यू इतनी है और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस वैल्यू है वो इतनी है। तो बैंक क्या करता है कि जो आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आई उसमें जो रिलाइजेबल वैल्यू है वो उसको लेके चलता है, मार्केट वैल्यू को लेके नहीं चलेगा, रिलाइजेबल वैल्यू को लेके चलेगा। क्योंकि बैंक जब भी अकाउंट एनपी हो जाता है तो बैंक को प्रॉपर्टी स्ट्रेस जल्दबाजी में सेल करनी होती, तो बैंक ये मान के चलता है कि मार्केट वैल्यू से हमको 10% कम ही मिलेगा। तो आपकी जो रिलाइजेबल वैल्यू है वो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। अब मान के चलिए आपकी रिलाइजेबल वैल्यू आई 1 लाख रुपये, एक लाख रुपये आई। अब वो जो 1 लाख रुपये, अब LTV रेशियो इसके अंदर 60% है, तो 1 लाख रुपये पे बैंक आपको 60,000 का लोन देगा। अगर यही अगर यदि प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी 1 करोड़ हो तो बैंक आपको 60 लाख का लोन एसेट बैक्ड लोन के अंदर देगा। सिंपल कैलकुलेशन है ये, इसमें कुछ वो नहीं है, बस इतना याद रखिए वैल्यूअर जो वैल्यूएशन कैलकुलेट करके देगा उसमें रिलाइजेबल वैल्यू बैंक लेके चलेगा। ड्यू डिलीजेंस, हमेशा जब भी आप कोई लोन लेते हैं बैंक पूरा ड्यू डिलीजेंस करता है। सबसे पहले वो आपका सिविल देखता है, सिविल में किसी तरह का डिफॉल्ट तो नहीं है, कोई रिटर्न ऑफ सूट फाइल इस तरह का तो नहीं है। फिर बैंक के ऑफिशियल्स ही आपकी प्रॉपर्टी विजिट करके आते हैं कि जो प्रॉपर्टी आप गिरवी रखना चाहते हैं उसका लोकेशन क्या है, वो आइडेंटिफाइबल है या नहीं, या वो मार्क्ड है नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी की विजिट करवाते हैं और वो लैंडमार्क नहीं रहती या वहाँ आपका नोटिस बोर्ड नहीं लगा होता। अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो प्रॉपर्टी आप देना चाह रहे हैं वहाँ पर आपका बोर्ड हो या किसी भी तरह का आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, और प्रॉपर्टी डीमार्क जरूर हो रखी होगी, ये प्रॉपर्टी आपकी। बिजनेस प्लेस विजिट, जहाँ पर आप बिजनेस करते हैं उस प्लेस की विजिट होगी, जहाँ आप रहते हैं वहाँ की विजिट होगी, और आप जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम आधार, GST नंबर, जो कोई भी ID प्रूफ देते हैं बैंक को, बैंक उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन करता है। तो उसके बाद वो ये ड्यू डिलीजेंस बैंक का कंप्लीट होता है। प्रॉपर्टी में भी बैंक पूरा ड्यू डिलीजेंस करता है, बैंक का खुद का इम्पैनल वैल्यूअर होता है, वो जाके आपकी प्रॉपर्टी की सर्च रिपोर्ट निकालता है, रजिस्ट्रार ऑफिस से देखता है कोई लीगल दिक्कत तो नहीं है, टाइटल तो क्लियर है, बैंक इसको गिरवी रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस की। देखिए, प्रोसेसिंग फीस जो ओवरड्राफ्ट OD लिमिट है उसके लिए 1% है। अगर आप कैश क्रेडिट ले रहे हैं तो जो आपकी लिमिट का अमाउंट है उसका 0.4% आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। मतलब अगर यदि आप 1 करोड़ का लोन ले रहे हैं तो आपको 40,000 प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। इस तरह ये प्रोसेसिंग फीस है। अब बात करते हैं अदर चार्जेस की, प्रोसेसिंग फीस के अलावा और क्या क्या चार्ज लगते हैं। देखिए, स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, जिस स्टेट में भी आप रहते हैं वहाँ पर जो लीगल एग्रीमेंट साइन करने के लिए जो स्टाम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है वो लगेगी। वैल्यूएशन जो आपकी प्रॉपर्टी की हुई है उसकी पैसा आपको देना पड़ेगा। वकील ने जो आपका टाइटल सर्च इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करी है उसकी वैल्यू पैसे भी आप ही को देने पड़ेंगे। और सरसरी चार्ज 50 या 100 रुपये लगते हैं, वो नॉमिनल फीस है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है अगर जब भी आप ये लोन लेना चाहते हैं। देखिए,
सबसे पहले आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको ब्रांच के अंदर मिल जाएगा, दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 साल का बैलेंस शीट, 1 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, फर्म का रजिस्ट्रेशन, GST, उद्योग, एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट, मतलब आपकी जो भी एसेट लाइबिलिटी या आपकी जो नेटवर्थ की स्टेटमेंट है वो, और ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। जब आपका लोन डिसबर्स होने जाता है उसके पहले बैंक आपके सारे ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखता है। अब बात करते हैं कि इस लोन के लिए अप्लाई कैसे करा जाए। देखिए, अप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं ऑनलाइन, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाए। अब मैं लाइव डेमो बताता हूँ कि किस तरीके से वहाँ जाके अप्लाई करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एसेट बैक लोन अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले गूगल पर जाएं, यहाँ पर टाइप करें SBI एसेट बैक्ड लोन, तो फिर आपके पास इसके बाद SBI की वेबसाइट खुल जाएगी। हमेशा याद रखें कि आप SBI.co.in पर ही काम करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने आगे पेज खुलेगा जिसके अंदर आपको एसेट बैक लोन की जो मैंने अभी डिटेल्स बताई हुई हैं वो सारी डिटेल्स होंगी, इनको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ की बटन दिखेगी ग्रीन, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फिर ये एक अगला पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल्स डालनी है, जैसे की पर्सन, यहाँ पर आप कैप्चा डाल देंगे और यहाँ आप सबमिट की बटन पर क्लिक कर देंगे। दूसरा, जैसे ही आप अप्लाई कर दें या अप्लाई नहीं करके तुरंत ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं तो ब्रांच विजिट करें, आप ब्रांच मैनेजर से मिलें, उनको समझाएं कि आपको प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन चाहिए, अपने इनकम टैक्स की फाइल लेके जाएं पिछले 2 साल की, जिसके अंदर दिखाया गया हो कि टर्नओवर कितना है आपका, आपकी फर्म किस तरीके से बिजनेस कर रही है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अगर आप इसके अगेंस्ट लोन ले रहे हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो भी बैंक ये तो देखेगा कि आपका बिजनेस, आप जो भी धंधा कर रहे हैं वो चल पा रहा है या नहीं चल रहा, प्रॉफिट में है या नहीं, टर्नओवर कितना हो रहा है, क्योंकि बैंक आपको आपके धंधे के लिए ये लोन दे रहा है। प्रॉपर्टी तो सिर्फ एक वो है, बैंक अपनी सिक्योरिटी के लिए रखता है कि हम लोन सही व्यक्ति को दें। अब बात करते हैं कि जब आपका लोन डिसबर्स होने जाएगा उसके पहले प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट बैंक अपने पास रखेगा, तभी आपका लोन डिसबर्स होगा। इसलिए आप इस लोन को अप्लाई करने के पहले कोशिश करें कि सारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज कर लिए हों। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।